हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं हूँ प्रथमेश उदय सेठे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों फायरफॉक्स में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी क्लिक कर लीजिए और बेल को बटन को दबाने को मत भूलिएगा। क्योंकि हम आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने इंटरनेट चालू कर दिया है तो हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर ऑफिशियल आर्डिनो arduino.com। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको आर्डिनो के ऊपर कुछ प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन बनाना हो तो यह ऐप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आपको जावा लैंग्वेज आती हो तो आप यहाँ पे आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। और आप जिस तरह से कोड टाइप करते जाएंगे उस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया जाएगा। अगर आपको प्ले करना हो किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को पूरा करने के बाद आपको मोबाइल में डालना हो तो आपको इस बटन पे ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि ये देखिए इमेज व्यू, आपको इमेज व्यू किस तरह से रखना है ये यहाँ पे डिसाइड होता है। ये देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाया है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एप्लीकेशन कैसे वर्क होगा ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन, कोड एडिटिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये बाकी कुछ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ की डिटेल्स पढ़ने के बाद एंड्रॉयड डेवलपर्स, एंड्रॉयड स्टूडियो को सिर्फ हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड करना है। जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो आया है क्या नहीं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे दिख जाएगा आपको।